डियर स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी सेकेंड ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चैप्टर वन का टॉपिक बीयर एंड लैम्बर्ट लॉ देखेंगे। बीयर लैम्बर्ट लॉ होता क्या है आखिर? बीयर और लैम्बर्ट ने एक समांगी अवशोषक पदार्थ में से एक वर्णी यानी मोनोक्रोमेटिक प्रकाश की किरणों को प्रवाहित किया या गुजारा और यह देखा कि उस समांगी अवशोषक पदार्थ द्वारा किरणों का कितनी मात्रा में अवशोषण किया गया, जिसको हम अवशोषणांक कहते हैं और हम उसे ए से प्रदर्शित करते हैं। तो बीयर ने जो लॉ दिया वो उस समांगी अवशोषक पदार्थ की सांद्रता यानी कंसंट्रेशन से रिलेटेड है और लैम्बर्ट ने जो लॉ दिया वो लैम्बर्ट के एल से हम लेंथ याद कर सकते हैं कि वो जो समांगी पदार्थ में से जो प्रकाश किरणें गुजरी मोनोक्रोमेटिक लाइट की, उन्होंने कितना लंबा पाथ तय किया, इसलिए पाथ की लेंथ यानी कि एल, तो लैम्बर्ट से हम एल याद कर सकते हैं। इस पर आधारित है ये। देखिए, जैसे ये समांगी अवशोषक पदार्थ का सॉल्यूशन है, ये जिस ट्यूब में है उस ट्यूब को हम कहते हैं क्यूबेट। इस ट्यूब की जो चौड़ाई है जिसमें लाइट गुजरेगी वो चौड़ाई को हम एल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये एल ही हो जाएगी लेंथ की, कितनी लेंथ से प्रकाश गुजरा है। यहाँ से मोनोक्रोमेटिक लाइट स्टार्ट करते हैं। मोनोक्रोमेटिक लाइट से जो लाइट इस पदार्थ पर टकराती है उसको इंसिडेंट बीम इंटेंसिटी कहते हैं। उस लाइट की इंटेंसिटी को इंसिडेंट यानी टकराने वाली बीम लाइट, जिसको आई जीरो से प्रदर्शित करते हैं या आई नॉट कह सकते हैं। इस पदार्थ में से प्रवाहित होने के बाद जो फॉरवर्ड लाइट दूसरी तरफ आके गुजरती है तो उसको कहते हैं इमरजेंट बीम, जिसे सिर्फ आई से प्रदर्शित करते हैं। और ये जो सॉल्यूशन है इसकी सांद्रता को हम सी से प्रदर्शित कर रहे हैं। तो बीयर ने तो अवशोषित होने वाली लाइट की मात्रा और इस पदार्थ की कंसंट्रेशन में रिलेशन बताया और लैम्बर्ट ने अवशोषित होने वाली लाइट और इस क्यूबेट की चौड़ाई यानी कि लाइट द्वारा तय की गई दूरी में रिलेशन बताया। लैम्बर्ट लॉ, व्हेन ए रे ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट पास थ्रू अब्जॉर्बिंग मीडिया इट्स इंटेंसिटी डिक्रीज, यानी इंटेंसिटी डिक्रीज का बोले जो अवशोषण हो रहा है, इंटेंसिटी डिक्रीज इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द अब्जॉर्बिंग मीडिया, जो अब्जॉर्बर जो अब्जॉर्ब करने वाले पदार्थ का तो माध्यम यानी जो क्यूबेट है उसकी क्या लेंथ है। तो यह लेंथ में हम ऊंचाई नहीं लेंगे, चौड़ाई लेंगे, क्योंकि जो मोनोक्रोमेटिक लाइट है वो चौड़ाई में पदार्थ से होकर गुजर रही है ना। बीयर ने दिया कंसंट्रेशन के लिए सेम लो कि अब्जॉर्प्शन इनक्रीज होता है उस अब्जॉर्बिंग पदार्थ का जो हमने सॉल्यूशन लिया उसकी कंसंट्रेशन बढ़ने के साथ साथ, तो ये बीयर लो हो जाएगा। इन दोनों लो को अगर हम कंबाइंड कर दें तो ए अब्जॉर्बर्स बराबर हम ई जो है मोलर एक्सटेंशन कोफिशेंट के रूप में लेते हैं, सी कंसंट्रेशन और एल लेंथ, तो ए बराबर ई सी एल। अब अगर हम लेंथ मान लो एक सेंटीमीटर लें, यानी क्यूबेट हम एक सेंटीमीटर चौड़ाई वाला लें, कंसंट्रेशन को ग्राम मोल प्रति लीटर में लिया जाता है, तो वो भी अगर हम एक लें तो जो अब्जॉर्प्शन है वो बराबर हो जाएगा मोलर एक्सटेंशन कोफिशेंट के। अगर सी कंसंट्रेशन वन लें, एल लेंथ वन लें, तो ए बराबर ई हो जाएगा। बीयर लैम्बर्ट लॉ में जो अब्जॉर्प्शन है उसको हम लॉग टेन आई नॉट अपॉन आई कह सकते हैं। आई नॉट क्या था? आपतित विकिरणों की तीव्रता, यानी कि कौन सी विकिरण जो क्यूबेट पे डाली जा रही है उसकी तीव्रता क्या है। और सिंपल आई है वो क्या है, वो है पारगमित यानी जो किरणें बाहर निकली हैं क्यूबेट के बाद वाली, पारगमित विकिरणों की तीव्रता। ये सांद्रता बढ़ती जाएगी यानी कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी तो अब्जॉर्प्शन बढ़ता जाएगा, इसलिए स्ट्रेट लाइट आ रही है। लेकिन हम जब ये थ्योरेटिकल है स्ट्रेट लाइट, लेकिन जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ती है ये स्ट्रेट लाइन है सीधी लाइन से विचलन शो करता है। तो विचलन क्यों होता है उसके कुछ
रीजन है यहाँ दिए हुए, द लिनियरिटी ऑफ द बियर लैम्बर्ट लॉ इज लिमिटेड बाय केमिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन फैक्टर, यानी कि जो लिनियरिटी यानी ये जो स्ट्रेट लाइन आ रही थी सीधी लाइन अब बढ़ती हुई, इससे विचलन शो होता है। तो विचलन शो क्यों होता है, वो विचलन शो होता है केमिकल और इंस्ट्रूमेंटल फैक्टर के कारण, जिसमें तो कुछ फैक्टर यहाँ दिए हुए यानी कुछ कारण यहाँ दिए हुए, जैसे कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लाइट हम डालते हैं मोनोक्रोमेटिक होनी चाहिए, और मोनोक्रोमेटिक लाइट का मतलब होता है किसी एक फिक्स या निर्धारित वेवलेंथ वाली लाइट होनी चाहिए। जो लाइट बीम है वो स्कैटर्ड नहीं होनी चाहिए। जो सॉल्यूशन है वो डाइल्यूट होना चाहिए, बहुत अधिक कंसंट्रेशन वाला सॉल्यूशन भी नहीं होना चाहिए। लाइट की जो स्कैटरिंग है वो जो जिस सॉल्यूशन पर लाइट डाली जा रही है उस सॉल्यूशन में जो पार्टिकल उससे लाइट की स्कैटरिंग भी हो जाती है, और जो सैंपल हम काम में ले रहे हैं उसका खुद का फ्लोरोसेंस या फास्फोरोसेंस इफेक्ट होता है। फ्लोरोसेंस और फास्फोरोसेंस इफेक्ट को हम फोटोकेमिस्ट्री में अध्ययन करेंगे। कई बार केमिकल इक्विलिब्रा भी होता है, क्योंकि कुछ केमिकल का हम सॉल्यूशन बनाते हैं तो सॉल्यूशन में जाके विघटित भी हो जाते हैं, एसोसिएट भी हो जाते हैं, और बाहर से आने वाली एक्सटर्नल लाइट भी इस पर इफेक्ट डालती है। तो इसमें ये कई सारे फैक्टर हैं जिसके कारण बियर लैम्बर्ट लॉ हम अपनी जो लीनियर कर्व है लीनियर कर्व से डिविएशन शो करता है। ये बियर लैम्बर्ट लॉ एक बेसिक लॉ है स्पेक्ट्रोस्कोपी का, जैसे हम फर्स्ट पेज से ही देखें, ये बियर लैम्बर्ट लॉ बियर ने दिया था इंसिडेंट लाइट इमर्जिंग लाइट, बियर ने लो लैम्बर्ट ने लो दिया था लेंथ यानी कि लाइट ने कितनी दूरी तय की, बियर ने दिया कंसंट्रेशन के लिए कि सॉल्यूशन कितना कंसंट्रेशन है, तो अब जितने कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी उतनी अब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगी, दोनों को मिला दिया तो अब्जॉर्प्शन अनुक्रमानुपाती है कंसंट्रेशन के भी और लेंथ के भी, जितनी लेंथ ज़्यादा उतना अब्जॉर्प्शन ज़्यादा, जितनी कंसंट्रेशन ज़्यादा उतना ही अब्जॉर्प्शन ज़्यादा। तो इसके लिए कंसंट्रेशन बढ़ने के साथ साथ अब्जॉर्प्शन बढ़ता है, तो स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए बढ़ते क्रम में, लेकिन स्ट्रेट लाइन नहीं आके उससे विचलन शो होता है। तो विचलन शो होने के ये कुछ कारण हैं। अब हम नेक्स्ट जब इसको स्टडी करेंगे तो नेक्स्ट में हम इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण के बारे में पढ़ेंगे, यानी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन कितने प्रकार के होते हैं कैसे होते हैं जी।